लेकिन पांचवें गुणस्थान में अंतर की स्थिरता बढ़ती है। तो गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी बहुत प्रकार से व्रत और नियम आदि हो जाते हैं। उसमें ज्ञान दशा के बाद जो एक कसाय गया वो तीन कसाय बाकी है, अनंत अनुमंदी गया और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन बाकी है। लेकिन घर में ही रहते हुए कुछ नियम के अंदर आकर के अपने अंतर की स्थिरता बढ़ाए तो पंचम गुणस्थान में आता है। ये मध्यम दशा है, इसमें दो कसाय चले आते हैं, दो कसाय रहते हैं, एक तो पहले चले जाता है, एक और जाता है और प्रत्याख्यान भी जाता है। अब दो ही बचे, प्रत्याख्यान और संतोलन। लेकिन साधना की चरम सीमा है ये मुनि दशा, ये छह नंबर सात नंबर जो है, छह नंबर सात नंबर इसलिए कहते हैं कि जब उपयोग आत्मा में लग जाता है तब सात नंबर, लेकिन वापिस बाहर आता है तो छह नंबर, वापिस अंदर जाता है सात, वापिस बाहर आता है छह, छह सात ऐसा होते रहता है, उसको बोलते हैं मुनि दशा। यहाँ से आगे बढ़ना है तो फिर उपयोग बाहर जाता ही है, अंदर में लग जाता है और अंदर में अंदर है एज ए लिफ्ट के जैसा, बाहर में अपने आप सभी कर्मों का नाश होते रहता है। सातवें से फिर छठे में अगर नहीं आया तो फिर आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह, ये सब श्रेणी लगती है। वो अभी इसमें बात आएगी पूरी आगे की पोर्शन में कैसे कैसे प्रार्थना होती है। अभी तो छः सात नंबर में क्या पोजिशन बनने वाली है उसकी बात। और ये साधना क्यों करना है कि जल्दी से अगर मुक्ति चाहिए, सर्व प्रकार से राग द्वेष से छूटना है, सर्व प्रकार के दुखों से जल्दी से छूटना है, तो आत्मज्ञान के बाद आत्मज्ञान से ही संतोष नहीं लेना है, उत्कृष्ट साधना करना है और ज़्यादा प्रयत्न करना है। ये प्रयत्न की उत्कृष्ट दशा जो है वही मुनि दशा। तो पांच नंबर की बात अब करते हैं। संयम न है तू थी योग प्रवर्तना स्वरूप जिनाख्या अधीन के पण क्षण क्षण घटती अंते थारे नीच स्वरूप मीन अपूर्वसर एवो क्यारे आसे। संयम न हेतु थी योग प्रवर्तन, मन वचन और काया तीन योग, उसकी उसका इस्तेमाल करना है, पांच इंद्रियों का, मन का या वचन का, ये तीनों योग में जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, इसके पीछे हेतु क्या है, संयम का हेतु है। आँख का इस्तेमाल इस प्रकार से करना कि देखने का रस छूट जाए, कान का इस्तेमाल इस प्रकार से करना कुछ सुनना नहीं, सुनने का बंद हो जाए, ये ताकत है सुनने की लेकिन हमको सुनना नहीं। मन का इस्तेमाल इस प्रकार से करना कि विचार करना ही बंद हो जाए, मेरी तंत्रता आ जाए। संयम न हेतु थी, पांचों इंद्रियों होने पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अंधा अगर बोले कि मुझे नहीं देखना है, वो संयम नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं। बहरा अगर बोले कि मुझे सुनना नहीं है तो नहीं, ये संयम नहीं है, ये योग्यता में कमी, योग्यता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या पोजिशन है, सब कुछ कर सकते हैं, जबरदस्त ताकत है, लेकिन हमको इस्तेमाल नहीं करना है, हमको नहीं देखना है, हमको नहीं सुनना है, हमको नहीं चखना है,
इसको बोलते हैं संयम। ऐसा नहीं कि देखने से पाप हो जाएगा, सुनने से पाप हो जाएगा, इसलिए पाप से बचने के लिए करना है, ये संयम नहीं है। ये डर डर के जीना संयम नहीं है, ये दमन है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे को कर्म बन जाएंगे तो मैं नरक में जाऊंगा। ऐसा डर के मारे नहीं, डर के मारे अगर हम खाना पीना छोड़ते हैं, देखना सुनना छोड़ते हैं, इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि अभी तो थोड़ी देर मजा आ जाएगी, लेकिन बाद में जो पाप कर्म होगा वो हमको ही भोगना पड़ेगा, और अभी नहीं तो अभी थोड़ा मजा मिलेगा, बाद में झूठे बहुत मिलेंगे। इसीलिए डर के मारे पाप की प्रवृत्ति में नहीं जाना, इंद्रियों में बहना नहीं, कंट्रोल कर देना, अपने आप रोक लेना। मन में इच्छा है लेकिन इच्छा को दबा देना, नहीं देखो अभी थोड़ा पल दो पल का सुख मिलेगा लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बाद में बहुत भोगना पड़ेगा। इसीलिए नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं चखना है, ऐसा डर डर के वो अपने आप को रोक लेना, ये संयम नहीं। संयम किसको बोलते हैं कि मैं मेरे स्वरूप में इतना लीन हो जाऊं ताकि इन सब की मुझे जरूरत ही ना पड़े। मैं स्वयं इतना बड़ा परमात्मा हूं, मुझे इन तुच्छ जड़ इंद्रियों की क्या जरूरत है, इन पदार्थों की क्या जरूरत है, क्या मैं अपने में पूर्ण नहीं हूं? कोई भी देखना सुनना कुछ भी कार्य पांच इंद्रियों का हो या सोचना भी हो मन के द्वारा, इसके पीछे हेतु क्या है? कि दुख न हो सुख हो, सुख के लिए हम वो प्रवृत्ति करते हैं। क्या इससे बढ़िया सुख, अपूर्व सुख इन पांचों इंद्रियों का आधार छोड़ने पर, मन में विचार नहीं करने पर भी क्या मेरे अपने आत्मा में से नहीं मिलेगा? जब मुझे मेरे आत्मा में लीन होने से अपूर्व सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, फिर ये जड़ इंद्रियों के सुख के पीछे मैं क्यों भागूं? जब ऊंची चीज मेरे पास है तो फिर मैं क्यों भीख मांगूं? इसीलिए मुझे नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं साधन संपन्न हूं, मेरे पास खुद में स्वयं में अपूर्व शक्ति है, अनंत शक्ति है, मुझे इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उत्कृष्ट में उत्कृष्ट सुख मिले ना तो भी मेरे आत्मा के एक क्षण अंदर रहने का जो अतीन्द्रिय आनंद मिलता है उसके सामने ये सुख कुछ भी नहीं है। लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग के सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन अगर एक बार भी अगर अपने स्वरूप को देख लेना और अंदर में वो आनंद को चख लेगा ना तो स्वर्ग में जाने की जो इसकी इच्छा है ना वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। स्वर्ग का सुख पराधीन सुख है, उसको भोगने के लिए पांच इंद्रियों की मन की जरूरत है, अपना सुख स्वाधीन है, वो पराधीन नहीं है। उसके हमारा सुख को भोगने के लिए हमको किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, पांच इंद्रियों की मन वचन काया की कोई जरूरत नहीं, स्वाधीनता। कितना भी उत्कृष्ट सुख हो लेकिन नजर कैद रखो, आप जो होना है मिलेगा, एसी खाना पीना सब, लेकिन आप बाहर वालों से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, इस गेट के बाहर नहीं आ सकते, नजर कैद, किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते, लेटर नहीं लिख सकते, किसी का लेटर आपको, आप अकेले रहना, जो चाहिए मिलेगा, खाना पीना रहना उठना पहले पलंग पलंग का अटैच सब एवरीथिंग, लेकिन बाहरी टीवी वगैरह कुछ नहीं, बाहरी जो वर्ल्ड है उसके साथ आपका किसी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट नहीं। अब आप रहो आपके ये सब सुख मुझे नहीं चाहिए, मैं झोंपड़ी में रहूंगा लेकिन मेरे को स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना, जबकि ऐसा भी नहीं है इसके अंदर कि अगर हम इंद्रियों का साथ छोड़ देंगे, मन का आधार छोड़ देंगे, दुनिया का साथ छोड़ देंगे, वो देवे तो भी हम साथ ना लेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आत्मा के अंदर चले जाने से कोई अफसोस नहीं बचेगा,
कि मैं दुनिया को क्यों नहीं भोग रहा हूँ, कोई मुझे साथ क्यों नहीं देता है, कोई अफसोस नहीं रहेगा। इतना सुख मिलेगा कि तृप्त हो जाओगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा कोई आपको मिलेगा ना कुछ बाहर से तो आपको बोझा लगेगा, उल्टा प्रॉब्लम है। अज्ञान दशा में तो जितना मिले उतना कम है, और ज्ञान दशा में जितना मिले उतना उपाधि, बोझा लगता है, टेंशन कड़ा कड़ा हो जाता है। इतनी सुविधा क्यों, क्या काय के वास्ते सुविधा चाहिए? जितनी सुविधा ज्यादा, जितना परिग्रह ज्यादा, इतना उपयोग बाहर ज्यादा जाता है। जितने प्रपंच बढ़ते हैं उतने हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, इतने हमारी शांति का भंग होता है। पसंद क्या हो, ऐसे में रहना भी नहीं चाहता, ये सुविधा सुख नहीं चाहिए, हमारा कोई एक्टिंग होता ही नहीं। मुनिराज तो दुखों का सामना करने के लिए, पूर्व कर्मों को काटने के लिए सुख सुविधा होने पर भी उसको छोड़ करके जंगल में जाते हैं, और हमारी हालत देखो, हमको तो और साधन चाहिए, बसाओ और बसाओ, दूसरों की हेल्प चाहिए। जहां स्वाधीन सुख मिला है वहां पराधीन सुख की क्या जरूरत, कितना भी अच्छा हो लेकिन पराधीनता है, पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। भले सब अपने को सब टाइम पे खाना मुंह में खिला देंगे, जो भी सेवा करना करेंगे, लेकिन हम पराधीन रह जाएंगे, ये सबसे बड़ी तकलीफ है, पराधीनता बहुत बड़ा दुख। दूसरा के ऊपर निर्भर रहना अपने सुख के लिए, ज्ञानी पसंद नहीं करते। एक तो पराधीनता का दुख भी है, दूसरा नया कर्जा लेना, ये वापिस चुकाना तो पड़ेगा, किसी की हेल्प लिया तो क्या करना पड़ेगा। कौन होती एक तो ये पदार्थ आते हैं तो ममता हो जाती है, परिग्रह बढ़ते हैं तो क्या होता है, ममता अपनापन आ जाता है, तो अपनापन तो और दुख का कारण है। उल्टा डे बाय डे परिग्रह कम करना है, प्रपंच कम करना है, उपयोग बाहर जावे ऐसा पसंद नहीं, इसके बदले में और बढ़ते जावे बढ़ते जावे, ज्ञानी नहीं चाहते। ज्ञानी पुण्य के उदय को विष्टा के समान जानते हैं। क्या घर में कचरा आया, विष्टा आई, कचरा नहीं, क्या क्या लिखा है, विष्टा आई, ज्ञानी अपना समय सनातन निकल जाए, समय सनातन लाडा रखा एकदम सेंटर में आना रखा के साथ, ग्रीन है ना, ग्रीन शायद निकला है, उत्तम पुरुषों के लक्षण ऐसा कुछ। इसमें भी देखो निकाल, कृपा लेकर निकाल, उसमें रेफरेंस है, दिल्ली मिल जाएगा 781। किसको कनक जाके इसमें भी है तो है ना, तो किसको किसको कनक जाके ये हो 184 पे नहीं उत्तम पुरुष का स्वभाव ऐसा लिखा है। ऊंचे लोग क्या करें, ऊंची पसंद ना, ऊंचे लोग उत्तम पुरुष का स्वभाव क्या है, ऊंची चिल्लर चिल्लर पुना नहीं करते, भीख नहीं मांगते, वो अपने बल पे रहते हैं। क्या अर्थ लिखा है देखना आप, जो कंचन को कीचड़ के समान जानता है, राजगद्दी को नितांत तुच्छ, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान, प्रशंसा को गाली के समान, योग की क्रियाओं को जहर के समान, तो योगासन क्यों करते हैं, जिंदा रहने के लिए, और ये क्या समझते हैं कि जहर है मेरे लिए, तो शरीर से ममता है,
शरीर से मंगता है वो क्या है? हमारी आत्मा का खून। हमको जीना है किसके बल पे? शरीर के बल पे, दिमाग में से निकाल दो। योग की क्रियाओं को जहर के समान, मंत्र आदि करामत को दुख के समान, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान, शरीर की कांति उसको राग समान। क्योंकि कितना भी अच्छा हो जाएगा ना शरीर सुंदर, उसका एंड क्या है? राग बनने वाली। अभी से ही देखो कि राग का ढेर है, कितना भी सुंदर होगा तो भी, स्वस्थ होगा तो भी। शरीर की कांति को राग के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को बाण की नोक के समान। चुभता है ना कांटा, ऐसा बाण चुभ जाता है उसकी नोक, घर में रहना चुभता है उसको, इसको बड़ा दिनता है। इसलिए स्वतंत्र नहीं है कि घर में भी सब मिलकर के एक मिली जुली जो राय होती है ऐसा रहना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं रह सकता। घर के निवास को बाण की नोक के समान, कुटुंब के कार्यों को काल के समान, बोझा लगे कोई काम करना पड़े, लोक लाज को लाभ के समान, मुख की लाभ ये लोक लाज, यश कीर्ति बड़े हो नाक का मेल, नाक के मेल के समान, और भाग्योदय को, मैं ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ, पुण्य का उदय हुआ, सब अच्छा हो रहा है, मिट्टी में हाथ डाले सोना हो रहा है, उल्टा चले सुलटा हो जा रहा है, तकदीर अच्छी है, नसीब बहुत अच्छे हैं, भाग्योदय उसको कैसा समझते हैं? विष्ठा के समान जानते हैं, विष्ठा आई घर के अंदर, कचरा नहीं, कचरा तो अभी भी ठीक है समझो, विष्ठा आई तो बाहर से गटर की विष्ठा वापिस घर के अंदर आए तो सबकी कैसा लगता है? पल भर नहीं सुहाता है, पल भर कचरा भी आया तो भी नहीं सुहाते, तो विष्ठा है। भाग्योदय को विष्ठा के समान जानता है, वह उत्तम पुरुष है, उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। उत्तम पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को एक ही बात, जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो उत्तम पुरुष है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति ऐसी होती है बड़ा दिन तक को स्वीकार नहीं करना चाहता, पदार्थ को छोड़ देगा, दुख थोड़ा भोग लेगा, क्योंकि उससे डबल फायदा है, साधन नहीं है और दुख है तो क्या फायदा है? पूर्व कर्मों की नहीं जरा, फिर ऐसे दुख में हम कितना फाइट कर सकते हैं अपने ज्ञान से, उसकी टेस्टिंग हम कितने पानी में, आत्मज्ञान हो गया है कि दुख बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फिर तैयारी होती है मृत्यु की। ये छोटे मोटे दुख को अगर फाइट करके अगर अच्छा प्रैक्टिस कर लेता है तो मृत्यु के साथ आता है जब यमराज, तो डरता नहीं है, सामने चैलेंज करता है, उसकी तैयारी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। आज हम हमेशा सुख सुविधा को चाहें, सब अच्छा अच्छा, कोई तकलीफ ना हो, गसर का ना हो, कुछ चुभन ना हो घेरा भी, फिर क्या होता है? फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। दूसरा, जहां से हेल्प मिलती है उसका कर्जा बाकी रहता है, कर्जा उल्टा बढ़ता है, फिर जो चीज हेल्प मिलती है उसमें ममता हो जाती है, ऊपर से पराधीनता हो जाती है, और एक के पीछे दस लपड़े हैं आपको नहीं मर। फिर कोई भी एक चीज बसा ले, कंप्यूटर बसाओ और ना जाए कंपनी वाले, देखो आप वो तो मशीन है अभी भी खराब हो सकता है, एक काम करो खराब हो या नहीं हो, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ सर्विसिंग का, मामूली रोज का 10 रुपया, 1 रुपया भी नहीं, 365 रुपये ऐसे। अगर बाय चांस कुछ भी हुआ ना तो आपको फ्री में सर्विस करके देंगे, क्या है वो सर्विस सेंटर खोल के रखे, उसका किराया जो है वो अपने से वसूल करते हैं, आदमियों के पगार अपने से वसूल करते हैं, और कुछ नहीं है, अपने बराबर धुलाई करने का है तो ये धंधा है। इतनी बड़ी बारी वाली चीज ले होगी, इसको तो डबला भी चाहिए साथ में, ऐसा नहीं बचेगा, छोटा पेपर कोड है 1500 तो कहीं भी लेके ना पोर्टेबल, इसको लेके आ सकते हैं, छोटा तो कोई भी रिपेयर कर सकता है, इसको रिपेयर कर सकते हैं, पूरा बाल हो जाता सफाई पूरी,
बहुत अच्छा आयरन है, 400 वाट का है, 1000 वाट का है। ऐसे हर चीज़ में देखो ना, जितनी आप ऊँची चीज़ लोगे ना उसकी सर्विसिंग की उतनी हजामत होगी। हमारे 500 रुपये की चप्पल पहन करके प्रार्थना सभा में जा सकते हो आप, जा सकते हो। आपका चित वहाँ नहीं रहेगा, जो मर गया उसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा। मेरे तो हमेशा आदत रही है, मैं क्या करता हूँ मालूम, हंसी आएगी आप लोगों को। अगर नई चप्पल पहन के गया ना, एक चप्पल एक कोने में रखता, एक चप्पल दूसरे क्यों बाद में विचार कौन करे विकल्प, क्योंकि दो चप्पल होकर दो लेके करते ना। 500 रुपये की चप्पल लेकर के प्रार्थना सभा में ये क्या होता है, ये पराधीन हो गए हम, फंस गए उसके अंदर। या मुनिराज की दशा देखे तो धन्य है वो मुनिराज, जबरदस्त है वो, तनिक भी पराधीनता नहीं। कैसे बादशाह के जैसे जंगल में रहते हैं, अरे दूसरों का तो नहीं, अन्य पदार्थों का तो नहीं, अपनी इंद्रियों की पराधीनता भी स्वीकार नहीं है, नहीं चाहिए भैया। बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत चख लिया, अब थोड़ा भी पराधीनता हूं मैं नहीं चाहिए। अगर हमारी आत्म साधना में वृद्धि होती है तो देखना है, तो भगवान के पास जाकर के उनको देखते हैं, इंद्र भगवान को आंख पूजा करते हैं। भगवान तो ऊपर अंतरिक्ष में रहते हैं, केवल ज्ञान हो गए हो जमीन पर नहीं रहता, ऐसा देखना पड़ता है। बाकी हराम बराबर तो आप उठा करके देखा है। नगर में जाते हैं मुनिया ऐसे ऐसे देखे तो क्या होता है, कैसे पोस्टर है पूरे। अगर मुनिराज को देखना है तो चार हाथ से आगे की जमीन भी नहीं देख सकते, चलते बखत भी तो नियम है क्या देखना है तो कितना, 4 हाथ मतलब ये 2-2 फीट है ना, 8 फीट से ज्यादा नहीं देखना चलते बखत भी। सामने से जोर से मोटर आती हो उनको नहीं मालूम, क्योंकि उनका तो दृष्टि यहां तक है, कुछ भी हो जाए चाहे दूर से शेर आता हो इनको नहीं मालूम, क्योंकि इनको तो यहां तक भी देखना, ये लिमिट है। नियम इसको क्या बोलते हैं, समिति, 5 समिति में जो ऐसा समिति शायद है, इजा इजा समिति, इजा समिति में 4 हाथ से ज्यादा आगे नहीं देख सकते आप, ऊपर तो देखने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर जिनेंद्र भगवान है तो आत्मस्थिरता में वृद्धि घट का कारण है। अब देखो भगवान के रूप को देखो, उनके दीदार देखो, उनकी वितरागता देखो, उनकी साधना देखो, अब देखना है। जिन प्रतिमा है मंदिर में अब देखो, आचार्य भगवान थे ऊपर विराजमान है, देखो बाकी नहीं देखना। तो देखो संयम, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, कोई गाना वगैरह नहीं सुनना है। अगर कहीं टैक्टो कट बजता है तो अपने को साधना या रहना नहीं, बस्ती में नहीं रहना है। क्यों बस्ती में, गांव में नगर में कहीं भी रहोगे तो क्या होता है, संसार की बहुत सारी बातें कान में जाती है, नहीं रहना है। निर्जन जहां एक भी आदमी न हो ऐसे जंगल में रहे। वाघ और शेर की आवाज आए वो पसंद है, लेकिन घर और नगर में जो मनुष्य लोग हैं उनकी आवाज तो कान में जाना नहीं, वो अच्छे इसे, क्योंकि बाघ शेर की आवाज से जीव मोहित नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, क्या बात कर रहे हो, ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट लग जाता है। जैसा बाहर में इंटरेस्ट लगा तो क्या होता है, अंदर की सावधानी, अपनी सावधानी छूटे, अंतर का लक्ष्य टूट जाए, ऐसा मन वचन काया का कोई भी प्रयोग नहीं करना। और डर के मारे नहीं कि पाप हो जाएगा और मैं नरक में जाऊंगा, तो डर के मारे नहीं, वो दमन है। डर के मारे जबरदस्ती मन में इच्छा होने पर भी इसको रोक देना, वो दमन है।
घर के माँ घर पर किसी के बाप का भी नहीं, लेकिन अंतर में रहना है, अपने प्रभु से तार कनेक्शन जुड़े रहना है, अंतर की शांति का भंग नहीं होना, उसको बोलते हैं संयम। तो संयम को बढ़ावे इस प्रकार से योग प्रवर्तना। संयम ना है तो थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्षण जिना क्या अधीन जो। बाहर से तो कोई भी मन वचन काया का इस्तेमाल नहीं करना है, और अंदर में रहना है तो क्या करना है, मैं मेरे में ताकत है, मैं रह सकता हूँ, रह सकते होंगे, लेकिन जिन नाम में रह करके रहना क्या, अपनी मर्जी से अंदर नहीं रहना, किसकी आज्ञा से अंदर रहना, ये तो अभिमान आ जाएगा। अगर अपनी मर्जी से ध्यान करने का आया तो क्या होगा, आज अच्छा चला, आज मेरे बहुत अच्छा चला, तो अभिमान आए बिना नहीं। अंदर स्वरूप लक्ष्य जिन आगे आधीन, अंतर में मेरे प्रभु के पास मुझे जाना है, लेकिन बाहर में जो प्रभु है उनकी आज्ञा लेकर के जाना है, इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं आज्ञा। कब तक रहेगी ऐसी आज्ञा, जब तक स्वयं परमात्मा नहीं बन जाएंगे, बाहर में गुणस्थान के अंत समय तक ये साधना का काल है, बाहर में गुणस्थान का अंत समय तक ये साधना का काल है। इसमें भी 7 से 12 जो है निर्विकल्प साधना, 6 नंबर की साधना इतनी उत्कृष्ट है कि उपयोग बार है, लेकिन हमेशा हर वक्त वो अंदर जाने की कोशिश में लगा रहता है, वो 6 नंबर की मूल दशा के साधना है, ये सब उत्कृष्ट है, लेकिन उसमें हर साधना में दिन आगमन आधीन रहता है, हर स्वयं में काका दिन में 1000 बार अपने घर में जा सकता है, लेकिन अभिमान नहीं आने देता है, मेरे में कोई ताकत नहीं अंदर रहने की, तो प्रभु की कृपा है जो मैं उनकी आशीर्वाद से अंदर में ज्यादा देर तक अंदर स्वरूप के साथ लीन रह सकता हूँ, मेरे में क्या ऐसे हो, जो भी आगे बढ़ना हो रहा है ये सब प्रभु की कृपा से आगे बढ़ना हो रहा है। अनंत सिद्ध भगवान, अनंत अरिहंत भगवान, अनंत ज्ञानी सभी का मेरे पर बहुत उपकार, सदगुरु का मेरे पर बहुत उपकार है, तो अगर वो नहीं बोलते तो मुझे आत्मा क्या चीज है क्या मालूम था। आज जो कुछ भी हूं कि जितनी भी अच्छाई मेरे में है, जितनी भी प्रगति मेरे में हुई है, ये सब किसका उपकार है, अरे एक सेकंड मात्र भी अगर मुझे शांति मिली है तो वो मेरे कारण से नहीं मिली, क्योंकि मैं तो फिर शांति मेरे कारण मिलती है तो मैं तो आनंद काल से था, भटकता क्यों था फिर, किसका उपकार है, मेरे सदगुरुदेव का उपकार, सर्वज्ञ से लेकर के कृपाचार्य शास्त्र लिखते हैं ना समय से, ऐसा लिखते हैं सर्वज्ञ वितराव देव, वहां से लेकर के परंपरा आचार्य भगवान ज्ञानी गुरु, ऐसा करते करते मेरे प्रत्यक्ष गुरु सबको नमस्कार करके उनके चरणों में वंदन करके उनकी आज्ञा लेकर के मैं ये शास्त्र लिखता हूँ। जैन शास्त्रों का एक बहुत बड़ा सुंदर रहस्य है, कोई भी जैन शास्त्र ले वहां तो वितराग भगवान को नमस्कार करने के बाद ही शुरू होता है, चाहे वो नमस्कार मंत्र हो, चाहे ओम नमो वितरागाय हो, और दूसरे शास्त्र क्या होते हैं मालूम, वो पूरे जैन शास्त्र की कॉपी टू कॉपी लिख देगी, लेकिन कभी ऊपर भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे, डिफरेंस बहुत बड़ा है। हमने ये मार्क किया कि जैसे जैन शास्त्रों में लिखा है वैसा ही दूसरे धर्म के बुक में लिखा था, सेम टू सेम, लेकिन कहीं भी एक जगह भी सर्वज्ञ भगवान का
वितरागी नियम गुरु शास्त्र का, इधर भी नाम निशान नहीं। जैसे उन्होंने कहा है ऐसा, जैसे कि उन्होंने क्रिएट किया है, इन्वेंशन किया है, शांति के उपाय का इन्वेंशन किया है, ऐसा उन्होंने अपने को असल में कॉपी थी। कॉपी हो, कॉपी तो जहां से कॉपी की वहां से लिखना चाहिए कि इनकी कृपा से हमने ये जो मेन अंश यहां से लिया है, थैंक्स। किसी की कृति का अंश अच्छा लगता है तो उनसे परमिशन लेकर के फिर अगर वो हाँ बोले तो छपाते हैं, तो थैंक्स लिखते हैं। ऐसा नहीं किया, चोरी कर लिया और हम कहते हैं ऐसा, ऐसी बुक है अपने पास तो हमारी चर्चा चली थी, सेम टू सेम लिखते हैं अपने धर्म के नहीं, सेम टू सेम कैसे लिखे, सेम टू सेम लिखे हैं तो भी अपने धर्म के नहीं, धर्म के मतलब वितराग प्रभु के धर्म के नहीं। क्यों? कि अगर जैन धर्म के होते तो पहले से वो रहता ओम वितरागाय नमो या तो सदगुरु देवाय नमो, कुछ तो रहता, इनको तो कोई गुरु गुरु नहीं है, सब सेम टू सेम बात करते हैं लेकिन गुरु नहीं। इनको पूछो आपके गुरु कौन है, हमारे कोई ऐसा बन ही नहीं सकता है। जैन धर्म में जो परमात्मा है उसके भी एक गुरु थे, गुरु के बिना आपको परमात्मा पद मिलता ही नहीं, गुरु की बहुत महिमा है। तो यहाँ लिया है कि स्वरूप लक्ष्य, अगर अंदर में भी जाना है, आत्मा का ध्यान भी करना है तो स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आदि, जैसा भगवान का हुक्म है वैसा अंदर जाना है। भगवान के हुक्म से मैं अंदर जाता हूँ, उनके ऑर्डर से मैं अंदर जाता हूँ, भगवान का ये ऑर्डर है, तीनों काल के तीर्थंकरों के महान पुरुषों का ये ऑर्डर है कि तू अपने परमात्मा से प्रेम कर, उसमें लीन हो जा, उसमें संतुष्ट हो जा, बाहर तेरा उपयोग न जाने दे। उनके ऑर्डर से मैं उनकी आज्ञा चला उठा करके मैं वो कार्य करता, इसमें कर्तव्य भाव नहीं। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा, दिन में हजारों बार अंदर जाते हैं लेकिन नहीं, भगवान की आज्ञा है इसलिए, भगवान के आशीर्वाद है इसीलिए हम अंदर रह सकते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। ये बेंसिन में भी जो अनुभव हुआ तो लिखा हूँ, डेट लिखी, वो टाइम लिखा, अनुभव के टाइम क्या हुआ वो लिखा, फिर लाइन लिखी, ये जो कुछ भी हुआ ये सब गुरुदेव आपका उपकार है, ऐसा लिखा नीचे। अगर ये लाइन नहीं लिखते ना तो गड़बड़ होती थी, कंपल्सरी है मैं पागण वर्ग दशम दिवस ऐसा करके शुरू किया, अपने हाथ से लिखा, अपने पास है आखिरी लाइन ये है, परम प्रतापी सद्गुरुदेव अनन्य उपकार छे, कंपल्सरी है। सद्गुरु की महिमा अगर नहीं आवे, सिर्फ अपने आत्मा की महिमा आवे तो निश्चय भास है, और अपने आत्मा की महिमा न आए और अकेले सदगुरु की महिमा आए तो क्या बोलना है उसको, सेवारा बात कर, इधर गए तो फंसे उधर गए तो फंसे, समझो दिल से। सिर्फ सदगुरु की महिमा हो और अपने आत्मा की बिल्कुल महिमा ना हो तो क्या बोलना है उसको, व्यवहारा बात, व्यवहार नहीं, मैं सही चल रहा हूँ, आत्मा में रह रहा हूँ, ऐसा आभास है, सही नहीं चल रहा है, व्यवहार माने चलना, सही नहीं चल रहा है। क्यों? कि भक्ति कर रहा है लेकिन किसके लिए कर रहा है, हेतु क्या है, नहीं आप करते हो उसके लिए, फिर आप सही नहीं चलते हो। आप अपनी शांति को लक्ष्य में रख करके अगर सदगुरु की भक्ति और महिमा और आज्ञा पे चलते हो, अब क्या है, शांति का तो लक्ष्य नहीं है और भक्ति तो बहुत करते हो, उत्कृष्ट करते हो, असल नहीं करे इतना नकल करता है क्या, व्यवहार आभास है, अगर उसको ठीक मानता है तो व्यवहार आभास है, डूबेगा वो। और सद्गुरु को बिल्कुल गिनती नहीं उसकी जरा, और अपने ज्ञान की अपने आराधना की बहुत नहीं,
इतना बड़ापन, इतना अभिमान कि मेरे ऐसा कोई नहीं। कभी कभी ऐसा ही भाव आते हैं, गुरु भी मेरे से पीछे, मैं गुरु से आगे हूँ, क्या हुआ ये? निश्चय अपने आत्मा की इतनी महिमा कि गुरु की जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया। क्या हो गया है? गुरु कहते हैं कि अपने आत्मा की महिमा करो, मेरे को भूल जाओ। गुरु कहते हैं वो उसका आशय दूसरा है। क्या गुरु कहने के कहते हैं कि मेरे को छोड़ो, तुम अपने आत्मा को प्रेम करो, उसका आशय दूसरा है। उसमें आशय क्या है? भक्ति मत करो, ऐसा कहने का है कि तुम अपने आत्मा में लीन हो जाओ, ऐसा कहने का। इसका अर्थ क्या निकाला मालूम है उसने? चलो अच्छा हुआ गुरु ने कहा, ऐसे ही भक्ति में मुझे मजा नहीं आती कि भक्ति करूंगा तो क्या होगा बताइए, मेरा सुबह होगा, मुझे स्वर्ग में जाना नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे मोक्ष में जाना है। और गुरु ने ऊपर से कह दिया कि रे मेरे को क्यों देखते हो, जा तेरे महात्मा, तेरा सुख तेरे पास, अच्छा होगा, जान छोटी। चलो ये ऐसा ही वो पुणे में स्वर्ग में जाने का नहीं था, ऊपर से गुरु ने कह दिया तू तेरे आत्मा में जाना, क्या आगे बढ़ना है? हाँ बढ़ना है, मेरे को छोड़, तेरे आत्मा को पकड़। इसका मतलब क्या? गुरु ने भक्ति का निषेध किया है, बिल्कुल गलत। ये मेरी नहीं समझा उसने, गुरु ने भक्ति का निषेध नहीं किया है, गुरु ने प्रोग्रेस करने के लिए अपने आत्मा के शरण में जाने को कहा है। आत्मा के शरण में जाना उसमें भक्ति का निषेध नहीं है, वो अर्थ हमने निकाला। गुरु जब कहते हैं कि अपने आत्मा से प्रेम करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु से प्रेम करना, भक्ति करना छोड़ दो। ये गुरु से ही प्रेम नहीं करना, भक्ति नहीं करना, ये सब तो क्या हमारी कुबुद्धि में से निकला है। लेकिन गुरुओं को साथ में कैसे प्रेम करें आप बताइए? इधर जाएंगे तो उधर ले रहेंगे, उधर जाएंगे तो इधर ले रहेंगे, तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, छोड़े बिना अंदर जाना है, इसका नाम पराभक्ति है। देखो हाँ एकत्व, एकीकरण करना, अपने अपने गुरु को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनकी प्रतिमा को, उनके स्वरूप को अपने स्वरूप के साथ एक कर लिया और अपने स्वरूप की भक्ति की, साथ में गुरु की, अनंत ज्ञानियों की भक्ति आ गई, इसका नाम क्या है? पराभक्ति। एक ही होगा, परमेश्वर बुद्धि आए बिना वेद ज्ञान स्टार्ट ही नहीं होता। पांचवा प्रतिबंध क्या है? बेन का प्रश्न आया है, अवलोकन बिंदु पड़ा है, मैं कहाँ हूँ नहीं मालूम मुझे, और आपने लिखा है कि चार प्रतिबंध या पांच प्रतिबंध हो सकता है, तो अवलोकन बराबर नहीं होगा, मेरा अवलोकन नहीं चलता है। तो चार प्रतिबंध तो समझ में आता है, पांचवा प्रतिबंध कौन सा है? सही में वो बेन वहीं रुके, जिसने लिखा है वो वहीं रुका है। पांचवा प्रतिबंध माने प्रत्येक सदगुरु का न होना, उनकी गाइडेंस नहीं होना, और उसके कारण से प्रत्येक सदगुरु में परमेश्वर तुल्य बुद्धि भक्ति नहीं आना, ये पांचवा प्रतिबंध है, ये कंपल्सरी है। इसके बाद ही अंदर के दरवाजे खुलते हैं, जब तक अंदर के दरवाजे खुलते नहीं, भटके रहो, लटकी खा लो, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, आपका उद्धार नहीं है। चार प्रतिबंध को छोड़ना आसान है, समाज का, परिवार का, शरीर का, और ढेर सारे संकल्प विकल्प, लेकिन पांचवे के लिए तो आपको सदगुरु चाहिए। सदगुरु के बिना क्या हो? कुछ नहीं, कुछ प्रॉपर गाइडेंस के बिना कैसे जाओ? और गाइडेंस तो मिलता है, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा आपको कैसी रहनी चाहिए? पर वो परमात्मा बोल रहे हैं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा से रत्ती भर भी कम नहीं है, परमात्मा से बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा तो जवाब देते नहीं है, जबकि ये जवाब देते हैं, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं। भले ना उनको केवल ज्ञान हो गया है, वो परमात्मा को, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी से कम तो नहीं, ज्यादा है। क्यों? कि महावीर स्वामी परोक्ष है, और ये क्या है?
काले इंसान को पूछा तो जवाब देने वाले नहीं है, इनको पूछे तो जवाब तो ज्यादा नहीं तो कम से कम इक्वल तो गिनो कि परमेश्वर ऐसा तो गिनो। अगर परमेश्वर बुद्धि नहीं आई तो क्या समझना उसको, अपने आत्मा की तो बहुत महिमा कर जबरदस्त कर त्रिकाणी ध्रुव मौत की परवाह नहीं है ऐसा परम प्राणा बाहून। और गुरु की महिमा कुछ नहीं, गुरु की महिमा करना तो राग है, वो तो निमित है, निमित को क्या पीछे पड़ना, किसको सिखा रहे हो भैया तुम, फिर ऐसा काम करो तुम, अब गर्मी पड़े तो पंखा चालू नहीं करना, पंखा क्या है उपादान के निमित है, भूख लगे ना तो खाना नहीं खाना, क्या है भूख खाना क्या है निमित है, चल बाहर निकलोगे ना रास्ते पे जाते हो ना चप्पल नहीं पहनना, क्या है चप्पल, निमित की जरूरत नहीं है ना, गुरु की जरूरत नहीं है ना, एक धर्म में ही गुरु की जरूरत नहीं, बाकी हर जगह जरूरत पड़ता है, जूते के बिना नहीं चलता है। क्या सब कैसा करूं, अपने हित का बात आत्महित की बात आती है तो निमित है, गुरु निमित है, गुरु को पूजना नहीं, गुरु को पूजने से पुण्य बदलता है, गुरु को पूजते हैं तो क्या होता है पुण्य का बंद होता है, और हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग में भी नहीं जाना है, अंदर में जा नहीं सकते गुरु के बिना, तो मोक्ष में भी नहीं जाओगे, अब कहाँ कौन सा बच्चा है, नरक में जाना है, जाओ मजे से जाओ, स्वर्ग में नहीं जाना है, अंदर नहीं गए तो कहाँ जाओगे, अरे दरवाजे खुले हैं बिल्कुल आसानी से जाओगे, सीट रिजर्वेशन हो गया पूरा, तभी तो ऐसे विचार आते हैं, गुरु को जिसने उड़ाया उसका सीट रिजर्वेशन हो गया है कहाँ पर, हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, वो तो बंद कर पा रहा है, गुरु से भक्ति नहीं करना है, वो तो निमित है ना, पड़द्रव है ना, पड़द्रव में सुख तो आता नहीं, एक ग्रह दूसरे ग्रह का कुछ करता अच्छा है, ग्रहण योग के सिद्धांत को कहाँ लगाया, मतलब छुरी को सब्जी नहीं काटी उंगली काटी, छुरी को छुरी तो है उससे सब्जी काट कर आराम से पेट भर सकता था, उसने क्या किया अपने लिए अंगड़ी पे काटा ताकि वो काटने के लायक भी नहीं रहे, एक एक क्या है सुबुद्धि, इन व्यवहार भाषी हिस्सा भाषी यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ अनुयास की बात है, साधना की उत्कृष्ट पोजिशन में है, लेकिन जब भी अंदर जाते हैं तो क्या स्वरूप लग से जिन आ गया अधीन, परमेश्वर का उपकार है मेरे, अपने सद्गुरुओं को अपने भक्तियों को अपने गुरुओं को किसी की अधीनता नहीं है, अकेले है जंगल में, लेकिन स्वरूप लग से जिन आ गया अधीन, इंद्र भगवान की आज्ञा लेकर के जाते हैं, हम तो ध्यान में बैठेंगे तो भगवान भगवान गुरु को मारा हुए सीधा अपने भगवान को देखो, इसलिए जल्दी बाहर आ जाते हो, जल्दी बाहर की बात है, वो क्यों अंदर जाता है लेकिन दिखता नहीं है, सब समझ में आता है क्यों नहीं दिखता है, एक सेकंड के अंदर तैरता नहीं, कभी कभी तो अंदर टच करे भी नहीं वापिस आ जाते, बहुत मेहनत किया लेकिन अंदर तक गया नहीं, वेदन आया नहीं, दो चार घंटे बैठा बहुत ट्राई कर लिया क्यों नहीं हुआ, नहीं कमी है, निश्चयवासी बन गए हो, क्या बन गए हो, अब इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, मेरे घर में जाना है, एक बार बोल दिया ना गुरु ने कि तुम अपने, अभी बार बार घड़ी घड़ी परमिशन क्या, मैं घड़ी घड़ी नाक कटाऊं, परमिशन घड़ी घड़ी लेना तो क्या होता है, नाक कट ध्यान में बैठू ऐसा घड़ी घड़ी बोल करके, चलो साथ में है तो बोल भी जाए, चलो अभी हम आपकी आगे हो तो मैं ध्यान में बैठू साथ में हो, और साथ में नहीं हम हमारे घर में, अभी हमको ध्यान का विचार आया तो क्या करना, कैसे परमिशन लेना हो, फिर भूलना कैसे लेते हैं उनको परमिशन, जाते होंगे समूह शरण में बार बार,
स्मृति में उनको याद करके उनकी कृपा दृष्टि को चाहते हुए अत्यंत भक्ति से मैं आपके मार्ग में आना चाहता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि हमारे को हमेशा रहे, ऐसी भावना करके भी ध्यान में बैठे तो क्या तकलीफ है। एक मिनट देर हो जाती है ना, इतना टाइम वेस्ट होता है, जल्दी पहुंचना है तो क्या करना, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, जल्दी पहुंचना है, पहुंचने के बाद भी तैरना है कि नहीं तैरना है अंदर, ये कर्तव्य भाव है ना, इसीलिए भी बाहर आ जाता है वापस। दासत्व भाव रहेगा तो गाड़ी फटाफट है, हमको इंजन नहीं बनना है, हमको नब्बाई बनने के लड़ना है, इंजन तो है या उसकी गाड़ी चल रही है बराबर, उसके साथ अपनी जॉइंट हो जाओ, फिर देखो कैसे पहुंचे, बिना हाथ के चलाए, बिना ईंधन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका डब्बा बराबर ट्रैवलिंग करता है, क्योंकि इंजन सलामत है, जो भी मेहनत करना है किसको करना है। तो कर्तव्य भाव में नुकसान है, दासत्व भाव में बिना मेहनत मुक्ति है, बिना मेहनत की। सदगुरु भी जब भी अंदर जाना है तब अपने गुरु को याद करके अंदर जाते हैं, बड़े बड़े मुनिराज भी जब भी अंदर ध्यान में बैठना है तो क्या करते हैं, उनको मालूम है कि भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति के बिना हम एक कदम भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बात निकली यहां से, अपूर्व अवसर में से वो बात निकली कि स्वरूप लक्ष्य जीन आ गया आधी, भक्ति यहां से निकलती है, अपने स्वरूप में लाना है और बार बार भक्ति क्या करना है भगवान भैया, अगर तुमको साधना अच्छी करनी हो और साधना करते करते तुझे जरा भी अभिमान नहीं आवे, ऐसा करना हो वापिस गिरना ना हो, आगे ही आगे बढ़ना हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना हो, तो कंपलसरी है भक्ति का ब्रेक रहेगा ना साथ में तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हो, नहीं तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है, जितने ऊपर जाओगे ना उतना खतरा ज्यादा है। अपने 10 माले की बिल्डिंग चढ़ जा रहे ऊपर, पर ऊपर से नीचे देखो क्या होता है, क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं ना, ऊंचा डर लगता है, जितना ऊपर जाओगे ना हाथ पैर कांपने लगते हैं, इतना आसान नहीं है। मैं मेरू पर्वत चढ़ा था जब हस्तिनापुर में, हम लोग गए थे ना अक्टूबर में 98 में, मेरे को मना करे लेकिन फिर भी मैं तो चढ़ गया हस्तिनापुर में है, ये फिर पूरा तक नहीं आई थी, नीचे तक ही था, उसको तो लीवर का प्रॉब्लम था तो ऊपर नहीं चढ़ गया, जैसा जैसा ऊपर जाए वैसा नैरो नैरो हो जाए ना ऊपर, ऐसा एकदम ऊपर चले गया, आजू बाजू बड़े बिल्डिंग का नहीं था और नीचे से इतना लगे ऊंचा लगे कुछ नहीं था। अभी जाके हस्तिनापुर के मेरे को, और फिर ऊपर ऊपर हर मजले पे बाहर में बालकनी है और चारों ओर भगवान की मूर्तियां, बालकनी में खड़े रहे हो तो अब गिर जाएंगे पसंद नहीं, ऐसा लगे संभाल के चलना पड़ता है, और फिर नैरो प्लेस है, जितना ऊपर जाओगे तो नैरो नैरो प्लेस है, बालकनी का स्पेस कम हो जाता है ना, ऊपर ऊपर जाते हैं ऐसा बाहर निकलना, बाद ऊपर के बाद में तो बंद भी कर दिया है कभी कोई बाहर बालकनी में आना नहीं, भगवान की मूर्ति है लेकिन सराव में जाना नहीं, इतना ऊपर जाते हो वहाँ अपने कोई कम कमर ना आ जाए, कहीं चक्कर ना आ जाए, कहीं गिर ना जाओ, कहीं बीपी हाई ना हो जाए, इसके लिए क्या करना, जीना ना में रहना, ये भक्ति को साथ में रखो, कुछ नहीं बनना, भक्ति अगर साथ में रहे तो कुछ नहीं होगा, क्यों, आप तो जो ऑर्डर का पालन करते हो, नुकसान फायदा किसके हाथ में है, दास बन करके आप प्रगति करते हो, दास बन करके जो कुछ भी करते हो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आप सेफ साइड में रहते हो, अगर कोई टक्कर होगी तो सबसे पहले किसको लगेगी, तबे को के इंजन को लगने, नुकसान उसका होगा, आपको कुछ नहीं, आपके बाल भी बांका नहीं होगा, ये बात है इसके अंदर कि संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तन,
स्वरूप लग से जिन आज्ञा अधीन जो ते कौन संरक्षण बटती जाती स्थिति में। इसका मतलब क्या कि आत्मस्थिरता बढ़े इसीलिए जो पांच इंद्रिय और मन का जो थोड़ा बहुत आलम्बन लेना पड़ता था वो भी डे बाय डे और कम करना। वो कम कैसे होगा? अंदर का बढ़ेगा तो बाहर का इतनी साधना अंदर बढ़े जमे इतनी देर तक अंदर रहे कि पहले 5 मिनट के बाद बाहर आ रहा अभी 10 मिनट के बाद बाहर आ रहा था। फिर क्या हुआ कि अंदर जाने के लिए जो हेल्प देनी पड़ती थी इंद्रियों की मन चलता है कि वो भी धीरे धीरे कम होते गई ना और अंदर की साधना बढ़ते गए। इतना भी आलम्बन जो लेना है उनको भी डे बाय डे अपने अंदर की साधना बढ़ाते बाहर का आलम्बन कम करते जाना है। अंते थाए और एंड में क्या होगा? अंते थाए निज स्वरूप मां और उसका एंड ये होगा फिर उपयोग बाहर आएगा ही नहीं। और पांच इंद्रियों का जो अंदर जाने के लिए जो हेल्प लेना था ना जो संयम में रहना था वो भी पंचा गए उतने भी पंचा गए क्योंकि बाहर निकले तो लेने का था ना हेल्प बाहर ही नहीं निकलते हैं और अपने स्वरूप में ऐसे जम गए अंदर में कि उपयोग बाहर जाता ही नहीं। ये है साधना की टॉप लेवल। जब उपयोग अंदर जावे और गए सो गया वापिस कभी बाहर नहीं आवे क्या और अपने परमात्मा के साथ हमेशा के लिए परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कनेक्शन परमानेंट उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्या और हर सेकंड में अनंत आनंद मिले हर पल में अनंत आनंद मिले तृप्त हो जाए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो पूरी दुनिया दिखे ना तो भी कहीं जाने का दिन ना हो अपनी जगह से हिलने का दिन ना हो ऐसी पोजिशन जो आई वो उत्कृष्ट है। यह साधना एंड होती है क्योंकि यहां से फिर परमात्म दशा स्टार्ट जो फाइनल स्टेजेस है परमात्म दशा यहां तक अपने को जाना यहां तक अपने को बहुत मेहनत करना यहां तक अब एक भी पूर्व कर्म नहीं बचा है एक भी सारे हिसाब किताब सब चुकते दुनिया वालों के साथ आ गए अपने पूर्ण अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जो अनंत चतुष्टय है वो पूर्ण प्रकट हो संपूर्ण शांति यहाँ पर मिल जाती ऐसी अंते थाए निज स्वरूप ये अपना 5 नंबर का पॉइंट आज नौवां सदी थे।